तिरुपति बालाजी के मंदिर को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही हूबहू बनाने की कोशिश की। हर मंजिल पर सारे भगवान अमूमन आपको दिखाई देंगे, अगल बगल आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, कृष्ण कन्हैया है। मिनीहा और आप देख रहे हैं फिश बिहार झारखंड। इस वक्त मेरी मौजूदगी डाक बंगला चौराहे की पंडाल पर है, जहाँ पर हम आपको माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं। आज अष्टमी के दिन हम यहाँ पर आए हुए हैं और कल ही इस पंडाल में माता का माता की जो प्रतिमा है उसे पट को हटाया गया और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना में एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार पंडाल में जो थीम रखा गया है वो बालाजी का थीम है। जो ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु, भगवान शिव और ख़ास तौर पर भगवान शिव का जो एक रूप है नटराज रूप, जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे उस वक्त का ये रूप आपको दिखाई देता है, जो देखने में वाकई बेहद खूबसूरत है। अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। चारों तरफ तमाम भगवान की मौजूदगी है। जब आप बालाजी के मंदिर को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए भगवान शिव का ही रूप है, भगवान शिव उनके साथ माता पार्वती बैठी हुई है। दूसरी तरफ फिर से वही भगवान नटराज के अलग रूप को दिखाने की कोशिश की गई है। अलग अलग तरीके से सब कुछ बताने की कोशिश की जाती है। सामने माँ लक्ष्मी की एक प्रतिमा बनाई गई है। तरह तरह से हर बार अलग पंडाल होता है, लेकिन इस बार का पंडाल वाकई बेहद खास है, बेहद चर्चा का विषय बना रहा है राजधानी पटना में। कलाकार की भी वाकई, कलाकार ने जो कला दिखाई है इस पंडाल में वो वाकई बेहद खूबसूरत है। जब आप एक एक बारीकी को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने मेहनत से काफ़ी समय लगा है इस पंडाल को बनाने में। तो डाक बंगला चौराहे की पंडाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब आप एक एक तस्वीर देखेंगे तो बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। जब आप तिरुपति बालाजी के मंदिर को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही हूबहू बनाने की कोशिश की गई है। राजधानी पटना के कलाकार ही इसे बनाते हैं। देखिए मंजिल वाइज किया गया है, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, हर मंजिल पर सारे भगवान अमूमन आपको दिखाई देंगे। बीच में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु के रूप आपको दिखाई देंगे, विष्णु के रूप है। अगल बगल आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, कृष्ण कन्हैया हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, कार्तिक जी हैं, तमाम भगवान को दिखाने की कोशिश की गई है। सभी भगवान यहाँ पर वास कर रहे हैं, ये खास तौर पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको दूसरे मंजिल पर बीच में दिखेंगे गणेश जी, गणेश जी के फिर अगल बगल आपको दिखाई देंगे हनुमान जी। आप जब आप एक बार गौर से देखते हैं तो हर भगवान की यहाँ पर मौजूदगी दिखाई देती है। राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे का ये पंडाल वाकई में बेहद खूबसूरत रहता है। एक एक बारीकी का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। पांच मंजिल में बनाया गया है ये, और पांचों मंजिलों की अलग अलग खूबसूरती, अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। पंडाल पर एक एक जो मंजिल बनाया गया है वो बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। आप जब तीसरे मंजिल पर देखते हैं, तीसरे, चौथे और पाँचवें मंजिल पर, तो वहाँ पर भी तरीके से भगवान के अलग अलग रूप को बैठाया गया है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तीसरे मंजिल पर, तो वहाँ पर विष्णु जी के नरसिंह रूप को दिखाया गया है। इसके अलावा विष्णु जी जब सांप का एक रूप है वो भी बताने की कोशिश की गई है। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन राजधानी पटना का ये डाक बंगला चौराहा वाकई बेहद खास माना जाता है। इस वक्त हम दोपहर के समय हम यहाँ पर आए हुए हैं और राजधानी पटना का ये दृश्य बेहद खूबसूरत है। अगल बगल ढेर सारी गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हुआ है। हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। ये VIP एरिया माना जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जा रही है, श्रद्धालुओं की यहाँ पर मौजूदगी है। और हम एक एक करके राजधानी पटना में जितने पंडाल बनाए गए हैं उस पंडाल के हम आपको दर्शन करवाएंगे, माता रानी के दर्शन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।